नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है राज और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग इस पैकेज की। एक्चुअली इसमें जो है एक लाइट मैंने ऑर्डर किया था। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा मेरे वीडियोस में कि लाइट कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसे ओवरकम करने के लिए मैंने एक लाइट ऑर्डर किया था अमेजोन से। काफ़ी रिव्यूज़ मैंने चेक किए थे और एक बजट लाइट जो है वो मुझे ऑर्डर करना था। सो फाइनली मैंने ये जो लाइट है उसे ऑर्डर किया और मुझे लगता है कि जो भी स्टार्टिंग, अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एक अच्छी लाइट कंडीशन चाहिए, इस तरीके के लाइट्स अगर आपके लिए चाहिए, आपको अगर चाहिए, सो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। या फिर आप घर में भी कुछ इमरजेंसी के वक्त आप यूज़ कर सकते हैं इस लाइट को एज अ इमरजेंसी लाइट। सो बिना टाइम गवाए हम डायरेक्टली इसे फटाफट अनबॉक्सिंग इसकी कर लेते हैं। तो चलिए एआई ओ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं लगभग एक हफ्ते भर से पहले ही मुझे ये इसकी डिलीवरी मिल गई थी। लेकिन जैसे कि मैंने मेरे कुछ वीडियोस में आपको बताया था जो इस हफ्ते मैंने पब्लिश की है कि मेरे मोबाइल के साथ कुछ इशू हो गया था, इसकी वजह से मुझे नया मोबाइल ऑर्डर करना पड़ा। सो फाइनली मुझे नया मोबाइल भी 2-3 दिन पहले मिल चुका है। सो मैंने इसे जो है अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसे हम फाइनली फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ा मुझे इसे अनबॉक्स करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है। मैं मोबाइल से ही सारे जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, सो चलिए इसे खोल लेते हैं। काफ़ी जो इसकी पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली काफ़ी जो है मुझे टाइम लगा इसे खोलने में, क्योंकि काफ़ी अच्छे पैकिंग में ये आया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। TP जो इस ब्रांड का ये लाइट है और इसमें जो है इस बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 2500 mAh की रिचार्जेबल बैटरी है इसके अंदर और जो है 3 hour का बैकअप देगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इसे अगर आप चाहें तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका बैकअप और इसका एक रिव्यू भी छोटा सा आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगा। 66 SMD LEDs के साथ ये आता है। यहाँ पर और कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं इस लाइट के बारे में, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि सोलर पैनल जो है चार्ज है इसके अंदर, मतलब सोलर से भी ये चार्ज हो सकता है, सोलर एनर्जी से। सो फाइनली बिना टाइम गवाए ये इसका बॉक्स का ओवरव्यू था। फाइनली हम इसे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं कि किस तरीके का हमें इसके अंदर डिवाइस मिलता है ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। कुछ अलग पार्ट है इसका और ये यहाँ पर। ओके, और बाकी बॉक्स में और कुछ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 650 rupees का मैंने इसे परचेस किया है। अभी फिलहाल इस बॉक्स को हम रखते हैं साइड में। ओके, इसे खोल लेते हैं जल्दी से। ओके फ्रेंड्स, तो ये है लाइट फाइनली आपके सामने। ओके, कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो अभी फिलहाल मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओके, फिलहाल अभी हम लाइट को जो है साइड में रखते हैं और यहाँ पर ये इसे चार्ज करने के लिए केबल दी गई है, इसे चार्ज करने के लिए जो कि यहाँ पर ये पोर्ट दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से ये वायर फिक्स होगी इसे चार्ज करने के लिए। इसके साथ और एक आई थिंक ये इसकी स्टैंड है, स्टैंड भी हम खोल लेते हैं।
यस जी हाँ, तो इस तरीके की इसे जो है ये स्टैंड दी गई है। अभी इसे रखना किस तरीके से है, ओके ओके, सो इस तरीके से आप इसे जो है स्टैंड कर सकते हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। ओके सो इसे फाइनली हम ऑन कर लेते हैं। ओके सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट ऑन हो चुका है, और ये जो यहाँ पर स्विच है दोस्तों, इससे आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं मैं ये जो स्विच है ये यहाँ से इस तरीके से इसे रोटेट कर रहा हूँ, तो इसकी ब्राइटनेस जो है बढ़ रही है। ओके सो ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, और इस तरीके से अगर हम इसे करें तो ये कम 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 हो जाती है, देखिए, और ये फाइनली ऑफ हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, इस बटन को अगर आप रोटेट करते हैं इस तरीके से तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ती है, और ये इसकी फुल ब्राइटनेस लेवल है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितनी जो है क्लियरिटी इसके अंदर दिख रही होगी, मतलब कितनी क्लियर ये लाइट दिखाई दे रही है आपको इसकी ब्राइटनेस की, लेकिन मेरे आने वाले वीडियोज़ में आप देख कर बताइएगा कि क्या आपको जो वीडियो की क्वालिटी है या फिर उसकी जो लाइटिंग कंडीशन है वो अच्छी लगी, ये आप मुझे बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये लाइट है, ये काफ़ी अच्छी स्टैंड स्ट्रॉन्ग जो है स्टैंड दी गई है, और आई थिंक ये जो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी जो है इससे मैं खासा जो है इम्प्रेस हुआ हूँ इसके बिल्ड क्वालिटी से, और यहाँ पर ये जो है यहाँ से इसे चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। ओके बस, तो ये काफ़ी सिंपल डिवाइस है दोस्तों, लेकिन काफ़ी यूजफुल होगा मुझे, और अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या फिर आप घर में भी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं एज अ रीडिंग लैम्प आपके स्टडी डेस्क के ऊपर, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसे ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसे खरीद भी सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक्चुअली अनबॉक्सिंग बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपको जो है अगर ज़रूरत हो इस तरीके की लाइट की तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो बजट कैटेगरी में। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसे हुक करने के लिए आप इसे जो है दीवार पर यहाँ पर जो है इस तरीके से आप इसे जो है हैंग भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बोर्ड दिया गया है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।